अभी ये लोग अकेले चुनाव लड़के दिखाएं, अकेले 400 सीटों पर चुनाव लड़े, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। उसको औकात दिखा रहा है। रामविलास जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इन लोगों के बेटे को तो कोई बुद्धि दे। भाई बहन ब्रदर पार्टी, मदर इंडिया पार्टी एंड ट्विटर चौपाल पार्टी। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रविवार को जन आकांक्षा रैली कर 2019 लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। राहुल की इस रैली को जहां जेडीयू ने फ्लॉप करार दिया और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने राहुल गांधी को खुला चैलेंज दे दिया कि हिम्मत हो तो अकेले चुनाव लड़े। चिराग पासवान के इस बयान पर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव ने करारा जवाब दिया। न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला बोला। देखिए पूरा वीडियो। अभी ये लोग अकेले चुनाव लड़के दिखाएं, अकेले 400 सीटों पर चुनाव लड़े, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। और पुनः हम लोग रेल प्रशासन, रेल मंत्रालय से और रेल मंत्री जी से हम लोग आग्रह करते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए वो सिर्फ दावे बनकर ना रहे, वो कदम पुख्ता होने चाहिए। बट बहरहाल कहीं ना कहीं इस बात को भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए, जिस तरीके से आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि वो भी पूर्व में रेल मंत्री रह चुके हैं और 2006 में उन्होंने बहुत प्रमुखता से उन्होंने इस बात को कहा था कि जब लालू जी रेल मंत्री थे और उस वक्त जिस तरीके से उन्होंने बोगियों का विस्तार किया था रेलवे को मुनाफा दिखाने के लिए, उन्होंने इस बात की काफ़ी वाहवाही भी लूटी थी। उन्होंने कहा था कि रेलवे का मुनाफा काफ़ी हुआ है, उन्होंने एग्जिस्टिंग रेल में उन्होंने बोगियाँ बढ़ाई थी। और उसी वक्त 2006 में ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि इस तरीके से अगर बोगियाँ बढ़ाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं ट्रैक के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ेगा और जो ट्रैकमैन है, जो कि उसकी रख रखाई का भी जो ये लोग ध्यान रखते हैं, उनके ऊपर भी दबाव काफ़ी बढ़ेगा। पहले क्या है, 2-4 घंटे के अंतराल में रेल आती थी, अब क्या है रेलों की भी आवाजाही ज़्यादा बढ़ गई है तो उस बीच में उसके मेंटेनेंस उतनी नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय को तमाम इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जितने भी मृतक हैं उनके प्रति मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। आज कांग्रेस की रैली, ढेर सारी शुभकामनाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रयास कर रहे हैं वो पुनः अपना अस्तित्व बनाने की बिहार में, जहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पूरी तरीके से जनाधार कांग्रेस का समाप्त हो गया और जिस तरीके से पुछ लगुआ पार्टी बनकर कांग्रेस रह गई है, यहां पर भी क्षेत्रीय दलों के पीछे लगकर कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रही है, वही हाल उत्तर प्रदेश में भी इन लोगों ने किया है। अगर सही में इनका इतना जनाधार है और जितनी बड़ी ये लोग रैली कर रहे हैं तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि बिहार में भी ये लोग अकेले चुनाव लड़के दिखाएं, अकेले 400 सीटों पर चुनाव लड़े, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। लाठियां चलाई गई है, जिला प्रशासन की तरफ से हमले किए गए, उसको कैसे देखते हैं? देखिए जिस तरीके से उन पर लाठियां, उसकी जरूर मैं निंदा करता हूं, बट जिस तरीके से कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ वीडियोस मैंने भी देखे, उनके भी जो समर्थक हैं उन्होंने जिस तरीके से उपद्रव मचाया, उन्होंने जिस तरीके से अपना आक्रोश दिखाया, कई जगह मैंने देखा कि वो लोग भी पुलिस वालों पे, प्रशासन पे वो लोग भी लाठियां भांज रहे थे। देखिए कार्रवाई किसी भी तरफ से वो गलत है, लाठी का प्रयोग अंत में किया जाना चाहिए, किसी को भी इस तरीके के प्रदर्शन में किसी को चोट नहीं आनी चाहिए, बट हाँ गलती किस तरफ से पहले की गई इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार पर है, उन्होंने पहले भी अपराध को नियंत्रित किया था, मुझे पूरा विश्वास है कि आज जब असामाजिक तत्व पुनः ज्यादा हावी हो रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री पुनः इसको नियंत्रित कर लेंगे। उसको औकात दिखा रहा है। अब बाप सबका जब को समाप्त कर दिया इन लोगों ने, लालू यादव राजद तो समाप्त, फिनिश्ड, क्योंकि लालू यादव को फिनिश किया ही लोग, बोला बेटा अब यहां पर हो गया। भाई बहन ब्रदर पार्टी, मदर इंडिया पार्टी एंड ट्विटर चौपाल पार्टी, तीन राजद हो गया और एक राजद अहंकारी कभी कहता है मुझको तो प्रधानमंत्री का गुण नजर आ रहा है। राहुल जी बारे बा क्या है, रोगेंसी है भाई। एक कहता औकात क्या है, मुखिया में चुनाव नहीं जीतेंगे, ये लोग अभी अकेले लड़े। रामविलास जी का मैं सम्मान करता हूं, वो लीडर थे, लीडर हैं, रहेंगे, लेकिन इन लोगों के बेटे को तो कोई बुद्धि दे। इस सबका जो बेटा अनुकंपा पर जी रहा है और विरासत में 80 सीट भाजपा के डर के कारण मुसलमान बेचारा बना हुआ है और उसका इस्तेमाल करता औकात दिखाता है।